नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। राजधानी लखनऊ में अकबर नगर के अवैध निर्माण को लेकर कार्यवाही का दौर लगातार जारी है। अकबर नगर के बारे में बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कुकरैल नदी के सौंदर्यकरण को लेकर संकल्पित है। जनवरी 2024 में भी कार्यवाही की गई थी, उसके बाद मामला कोर्ट जाने के चलते अकबर नगर 2 में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही रुक गई थी, पर इस बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दोबारा ध्वस्तीकरण की कार्यवाही जारी है। ये कार्यवाही लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी और नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह के नेतृत्व में चलाई जा रही है, जिसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव ने एलडीए वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी से खास चर्चा की, देखिए ये रिपोर्ट। अकबर नगर में ध्वस्तीकरण का कार्य लगातार कार्य चल रहा है, हम देख रहे हैं यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर बुलडोजर चल रहे हैं, जेसीबी चल रही है, वो बताती है कि यहाँ पर जो भी व्यवस्थाएं थी वहाँ पर सरकार द्वारा कार्रवाई की गई है। और उस कार्रवाई की अगर बात करें, इस कार्रवाई के पीछे की व्यवस्था की बात करें, तो लखनऊ विकास प्राधिकरण के पीसी त्रिपाठी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि लगातार यहाँ पर पूरी सक्रियता जुटे हुए हैं, सुबह से शाम तक यही रहते हैं और अपनी निगरानी में पूरी कार्रवाई को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। रिहैबिलिटेट किया गया सभी को और फिर जैसे खाली करने के लिए हम लोग ट्रांसपोर्टेशन भी दे रहे हैं, वहाँ ऑपरेशन टीम ने आवाज़ भी दिया गया है और उसके बाद ही जैसे जैसे खाली होते जा रहे हैं, देख रहे हैं एक एक पैच हम लोग तोड़ते जा रहे हैं, तो काफ़ी आवाज़ हम लोग खाली हो गए हैं और उनको ध्वस्त कर चुके हैं। आज रात तक सभी लगभग खाली हो जाएंगे और कल से परसों के बीच में अकबर नगर 2 का ध्वस्तीकरण पूरा हो जाएगा। मैं देख रहा था पहले, अगर बात करें पहले जब यहाँ पर कार्रवाई चली जनवरी की बात करें तो यहाँ पर विरोध भी हो रहा था, पर अब हम देख रहे हैं यहाँ पर विरोध नहीं है, शांति है। हाँ, पुलिस बल यहाँ जरूर मौजूद है, पर यहाँ पर जो पहले हाहल्ला था वो हाहल्ला नजर नहीं आ रहा है। ये आपकी व्यवस्थाएँ हैं कि सबको आवाज़ मिल गए हैं, ये एक अलग नीति तय बना के कम नहीं, सबको रिहैबिलिटेट किया गया, उनको फैसिलिटेट भी किया गया है और साथ साथ संवाद उनके साथ लगातार है कि जो माननीय न्यायालय का निर्णय है उसे पालन करना है, तो लोग कन्विंस हैं और जा रहे हैं और उसके बाद हम लोग डिमोलिशन कर रहे हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण भूमिका क्या कहेंगे? लखनऊ विकास प्राधिकरण को जो दायित्व दिया गया था वो पूरी तरह से अपना काम कर रहा है। तो इसलिए हमारे साथ लखनऊ विकास प्राधिकरण के पीसी इंद्रमणि त्रिपाठी, उन्होंने कहना है कि जिस तरह के जो कोर्ट का आदेश था उस कोर्ट के आदेश का पालन किया जा रहा है। पहले अकबर नगर 1 के यहाँ पर हमने देखा था ध्वस्तीकरण हुआ था, अकबर नगर 2 के यहाँ ध्वस्तीकरण का कार्यक्रम चल रहा है, कार्य चल रहा है। फिलहाल क्या कार्रवाई बड़ी हो रही, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से कहा जा रहा था कि अवैध रूप से बना हुआ है, उसके पहले भी कार्रवाई की गई, उसके बाद यहाँ पर कार्रवाई चुनाव के चलते रोक दी गई थी। फिलहाल यहाँ पर फिर कार्रवाई चल रही है, अकबर नगर 2 पर यहाँ पर कार्रवाई चल रही है। हमने ये भी देखा है कि एलडीए बीसी यहाँ पर पूरी सक्रियता के साथ यहाँ पर लगे हुए हैं, पूरी कार्रवाई को यहाँ अंजाम देते नजर आ रहा है। अगर हम प्रशासनिक अमले की बात करें, प्रशासनिक अमला भी यहाँ पर पूरी तरह मौजूद है, जो पुलिस व्यवस्था वो भी यहाँ पर साक्षात मौजूद है, बताती है कि यहाँ पर कार्रवाई जरूर चल रही है पर पूरे संतुलन के साथ, पूरी व्यवस्था के साथ, पूरी निगरानी में और यहाँ पर पूरी गंभीरता के साथ की जा रहा है, जिससे यहाँ पर जो पब्लिक है, जो जनता है, उनका कोई रोष हमको नजर नहीं आ रहा है। तो पास दीपक के साथ गौरव श्रीवास्तव, सी न्यूज भारत, लखनऊ। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।